मंदसौर में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगाराम पाटीदार ने कहा कि 25 सितंबर 2023 तक विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे, साफ छवि वाले को ही टिकट दिया जाएगा। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां की सक्रियता बढ़ रही है। जिले की संसदीय क्षेत्र में अब आम आदमी पार्टी ने भी हामी भर दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि साफ छवि वाले प्रत्याशी को ही टिकट मिलेगा। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगाराम पाटीदार ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। सितंबर के आखिरी सप्ताह तक मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सभी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी अध्यक्ष गंगाराम पाटीदार ने कहा कि पार्टी साफ छवि पार्टी के प्रति वफादार और अच्छे कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ने का मौका देगी। पैसों के दम पर उम्मीदवारी तय नहीं होगी। पाटीदार ने बताया कि बीजेपी कांग्रेस में दल बदल वाले नेता हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी में ऐसा नेता नहीं है। चुनाव में जीत हासिल चुनाव के माहौल पर निर्भर करती है। आखिरी समय में आम आदमी पार्टी अपनी कैंपेनिंग से माहौल को अपने पक्ष में कर लेगी। और सितंबर महीने में मंदसौर की 8 विधानसभाओं में, मंदसौर संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभाओं में उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। कैसे उम्मीदवार रहेंगे आपके? उम्मीदवार में पूरी प्राथमिकता जो स्वच्छ छवि वाले हैं, जो पार्टी के प्रति वफादार है और पार्टी के कार्यकर्ता है, जिनके बारे में पार्टी ये विश्वास करती है कि ये कभी बिकने वाले लोग नहीं है, कभी टूटने वाले लोग नहीं है, चाहे वो कितने गरीब हो या अमीर हो, उसको जिताने की जिम्मेदारी पार्टी लेती है। उसको कोई बहुत आर्थिक खर्च करने की जरूरत नहीं, आर्थिक स्थिति उसकी कैसी भी हो, पैसे के दम पे कोई उम्मीदवारी तय नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस में या भाजपा में हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी में नहीं। अगर आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती तो अभी तक दिल्ली में हमारी सरकार नहीं रहती। दिल्ली में भी भाजपा ने कितने ऑपरेशन लोटस चलाए हैं, करोड़ों रुपए के ऑफर दिए हैं, किंतु गरीब से गरीब भी विधायक हमारा कोई बिका नहीं है। यहाँ पे कोई सिंधिया बनने वाला नहीं है, और सिंधिया जैसा भी व्यक्तियों को टिकट हम देंगे नहीं। टिकट की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जिसके बारे में पार्टी को ये संदेह न रहे कि आगे जाके बिक जाए। क्या लगता है कितने उम्मीदवार? ये चुनाव के माहौल पे निर्भर करेगा। अभी केजरीवाल जी का कैंपेन चालू होगा तो आखिरी टाइम में भी हवा ऐसी बदलेगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या सर्वे हो चुका है आपकी पार्टी का? सर्वे चल रहा है। आप कह रहे हैं 25 तारीख को उम्मीदवार घोषित? हाँ हाँ, तो वो सर्वे चल रहा है ना, अभी भी सर्वे जारी है। हाँ, 25 तारीख तक नाम चले जाएंगे, ऊपर से नाम आ जाएंगे। मंदसौर से PD बैरागी की रिपोर्ट।